हेलो गाइस, मैं लक्ष्मी लक्ष्मी हूँ। मैं कीमती चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सो ये हमारा अभी का गार्डन है जिसे मेरी मम्मी ठीक करने वाली है पूरा। तो यहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा सब कबाड़ है, कुछ भी नहीं है किसी भी चीज में। उसमें सब में वीड लगा हुआ है, पीछे ही पूरे वीड फैला हुआ है, सब कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं मम्मी इसका क्या करेगी। हमारा सिर्फ पुदीना अच्छा है। हाँ, हमारे सबकी हालत ऐसी है अभी, ऐसी बड़े हुए फूल नहीं मरे हुए नहीं। स्पाइडर कैसे लग रहा है? हाँ, बाकी ये सारे तो बीड ही है हमारे, ये सारे बीड रखे, ये पूरा खा लिए। लेट्स सी बाद में क्या करती है मम्मी ट्रांसफॉर्मेशन। ये ये जो आपने सुबह सुबह काम पकड़ा है, गुड। आई लव गार्डन। फूल पौधे मैं कल ही अपने घर में भी कल ही करके आई हूँ। अब वो तो ये है, अब आपके पौधों को कौन देखेगा? वहाँ पानी डालना है बस, वो बाकी मैं करके आई करके आयो। डैडी डालते हैं पानी तो। चलो अब इसको कब देखेंगे हम, पूरा गार्डन कब दिखाएं हम अपने व्यूअर्स को? धीरे धीरे दिखाते जाओ। और फुल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर 3 मंथ्स है। यस। चलो तो अभी देखते हैं, अभी हमारे गार्डन की हालत है ऐसी, सिर्फ और सिर्फ पुदीना सही उगता है हमारा, बाकी सब खराब। सबसे पहले मैंने पुदीना, हाँ ये वाला जो आपने ये ठीक किया ना, ये वाले और ये वाले ठीक किए, बाकी ये सारे तो अच्छा। ये जो आपने पुदीना इसमें डाल दिए, अब ये तो सारे बीड्स हैं, ये तो सब बीड्स हैं, पीछे पूरा बीड्स है, सब साफ करना पड़ेगा। जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। हाँ, जब बड़े हो जाएंगे तब दिखाते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं हो गया है इस समय, अब शाम हो गई है, तो हम शाम को थोड़ा सी 5 बजे तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए थोड़ा मार्केट जाते हैं और बाहर का व्यू दिखाती हूँ यहाँ का एरिया। देखिए फ्रेंड्स, ये संतरे से कितना लदा हुआ है, छोटा सा पेड़। ये ओरिजिनल है ऑस्ट्रेलिया के संतरे, ओरिजिनल फ्रूट, छोटे से पेड़ पे भरा हुआ लदा हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ देखा मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो में बने रहिए। अभी आधा बन चुका है, अंदर लकड़ियाँ फिट कर दिए हैं सारी, खिड़कियाँ वगैरह लगा दी, बाहर से अभी जो है ना टाइल्स, ये ऐसी वाली टाइल होती है हल्की वाली। ये सब मटेरियल रखा हुआ है उधर ही, अभी ये बन रहा है, लकड़ियों का ज़्यादातर लकड़ियों का यूज होता है, और ये साइड में ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल स्टोरी मकान ज़्यादा होते हैं, ये अपार्टमेंट है, ये इससे ज़्यादा ऊँचे घर नहीं होते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ का पब्लिक टॉयलेट कितना क्लीन और साफ है, ये अभी ग्रीन है तो इसमें वैकेंट है, खाली है, कोई नहीं है ऑक्यूपाइड में, मतलब कोई है, और रेड वो जो है ये लास्ट वाला क्लोज होता है। फुटपाथ वगैरह बना हुआ, और ये लेटर बॉक्स वगैरह होते हैं यहाँ, तो इससे अंदर को नहीं जाते हैं लेटर बॉक्स के, वहाँ से उनका अपना एरिया होता है, सीधा सीधा ये फुटपाथ, इसमें या तो साइकिल भी चलती है और पैदल भी के लिए यही रोड है, रोड में नहीं जाते हैं, ये रास्ता अगर अलग से जो है फुटपाथ बना रहता है ये पैदल चलने वालों के लिए, ताकि आराम से, और इधर ये रोड है, रोड के किनारे किनारे तक गाड़ियाँ आती हैं, तो हर किसी के घर के आगे से ऐसे रास्ता ये ऐसे खुला रहता है। बॉक्स वगैरह आपको दिखा दिया मैंने, और ऐसे ये फुटपाथ पे चलना और साइड से चलना, यहाँ के रूल जो है फॉलो करने पड़ते हैं, सीधा रूल फॉलो करना पड़ते हैं। देखो कितने सफाई है, कोई गंदा वगैरह नहीं है। और
और हर कहीं के लोगों ने जो है ना पेड़ उगरा हर किसी के घर में है। यहाँ सबसे ज्यादा तो यही है कि पेड़ उगरा बहुत महत्व दिया जाता है पेड़ लगाने का। फ्रेंड्स शाम के टाइम पे थोड़ा घूम लिया और इतनी आपको दिखा दिया यहाँ की जानकारी, तो आप थोड़ा से खाने के लिए हम इस रेस्टोरेंट में चलते हैं और फिर उसके बाद घर चलते हैं। घर जाते समय भी रात का व्यू दिखाएंगे आपको। थैंक यू। क्या खाओगे मम्मी? यहाँ पे इसमें ना नॉन वेज अच्छा मिलता है। दिखाते हैं रोड पार कैसे करते हैं। ये साइड में जाते हैं, रोड में कोई नहीं जाता है। यहाँ तो रोड पार करने के लिए एक रूल बनाया हुआ है कि ये बना रहे थे यहाँ पे ये बना रहता है, तो ये रोड क्रॉस करना है तो पहले इसको दबा दो। यहाँ पे दबा दिया तो वहाँ जब ग्रीन हो जाएगा तो फिर गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं, तो उससे पहले चाहे कितना भी खाली है तुम जाने की वो नहीं है। देखो सामने भी कोई खड़ी हुई है रोड क्रॉस करने के लिए। जैसे ही इसकी लाइट ग्रीन होगी तो गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं। जब यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है ये ऐसे जब रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रेन हो गया तो सब गाड़ियाँ रुक जाती है साइड में, साइड में कितना भी हो सब अपने आप रुक जाएंगी और जो है रोड क्रॉस आराम से हो जाएगी। और वहाँ पे ये टेलीफोन ऑपरेशन पॉइंट डाल के इसमें से कॉल कर सकते हैं पब्लिक टेलीफोन। डस्टबिन ऐसे रोड पे रख देते हैं तो गाड़ी आती है अपने आप ले जाती है। अभी देखो हम घर को जा रहे हैं तो बिल्कुल रोड में सुनसान हो रखा है, ऐसा लगता है कि कोई नहीं रह रहा है। लेकिन रहते सब हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा अंधेरा पसंद करते हैं। यहाँ जो है ये देखिए ऊपर ये लाइट वगैरह जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह कहीं कहीं पे दूर दूर पे एक दो जगह है वो भी इस एरिया में है थोड़ा ज़्यादा। बस अभी आठ साढ़े आठ हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टाइम होगा। वीडियो में तो कभी थोड़ा उजाला दिख रहा है दूर से। यहाँ के लोग अपने घरों के आगे सोलर लाइट लगाए रहते हैं जिससे कि उनके घर के आगे जैसे ही गाड़ी आती है या कोई भी इंसान आता है तो एकदम लाइट जल जाती है, और उसके बाद जब वो निकल जाते हैं तो उसके बाद लाइट बंद हो जाती है, अपने आप ही बंद हो जाती है। अब हम घर पहुँच गए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू।